ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रीशा के लौटने से रुद्राक्ष पागलों की तरह खुश हो जाएगा और वो शारदा से ये कहता हुआ नज़र आएगा कि माँ, मेरी प्रीशा मेरे पास लौट आई है, अब वो बहुत जल्द मेरे साथ ही रहेगी और उसने मेरे लिए डेट अरेंज की है और वो मुझे कल कुछ स्पेशल बताने वाली है। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। उधर प्रीशा और रुद्राक्ष की रोमांटिक डेट शुरू होती है, जहाँ पर प्रीशा ने रुद्राक्ष के साथ रोमांटिक डांस से लेकर कैंडल लाइट डिनर तक का खास इंतज़ाम किया होता है। लेकिन तभी वहां पर दिखाया जाता है कि जो उसका फ्रेंड बंटी होता है वो गुजर रहा होता है रुद्राक्ष खुराना के स्टूडियो के सामने से और स्टूडियो की नीलामी होता देख वो तुरंत रुद्राक्ष को फोन करके बताता है कि तेरा जो स्टूडियो है वो बिक रहा है, जिसे सुनकर रुद्राक्ष काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो ये अनुमान लगाता है कि यानी कि खुराना हाउस की प्रॉपर्टी सेल होना शुरू हो गई है, दैट मीन्स सारांश का ट्रस्ट फंड भी ओपन हो गया है और सारांश का ट्रस्ट फंड ओपन होने का मतलब है कि शायद सारांश अभी भी ज़िंदा है। ये सुनकर बंटी भी उसका साथ देता है, हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और उधर प्रीशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है रुद्राक्ष को ये बताने के लिए कि मेरी और अरमान की शादी सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी, कोई शादी थी ही नहीं। और साथ में प्रीशा ये भी कहती हुई नज़र आएगी कि रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी ही वाइफ थी और तुम्हारी ही वाइफ हमेशा रहूँगी। यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सारांश का सच निकल कर सामने आने वाला है रुद्राक्ष और प्रीशा के आगे। वैसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें।